नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूं दोस्तों आप सभी की सेवा में कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे खजूर के संबंध में। खजूर वैसे तो बहुत ही फायदेमंद होता है दोस्तों, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो इसके गुणों से वाकिफ नहीं हैं। तो आज हम बताएंगे दोस्तों कि खजूर खाने से क्या क्या फ़ायदा होता है। सबसे पहला जो महत्वपूर्ण फ़ायदा होता है दोस्तों, अगर आपको वीर्यपात की समस्या है यानी कि शीघ्र पतन की समस्या है, या वीर्य संबंधी कोई भी आपके दाम्पत्य जीवन में कोई भी प्रॉब्लम है, तो ये सबसे अच्छी औषधि साबित हो सकता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, खजूर में कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन ए और विटामिन बी पाया जाता है दोस्तों। इतने सारे गुणों से भरपूर होता है। आपका अगर सेक्सुअल कोई भी प्रॉब्लम है उसको दूर करने में, यानी कि ये गर्म प्रकृति का होता है दोस्तों, यानी कि खजूर गर्म प्रकृति का होता है दोस्तों, जो आप सभी के लिए बेहद लाभकारी साबित होता है। खजूर में अगर आप शहद और गुड़ मिक्स कर लेते हैं तो ये कई गुना ज़्यादा इसका गुण बढ़ जाता है दोस्तों। लेना कैसे है, आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आप 5 खजूर लीजिए, उसको पानी में भिंगो दीजिए। 2-3 घंटे बाद उसके बीज को निकाल दीजिए, खजूर के बीज को बाहर निकाल के फेंकिए। उसके गुदे को पीस लीजिए अच्छे से, उसमें शहद मिला लीजिए, जो पिसा हुआ आपके पास पेस्ट होगा उसमें शहद मिक्स कर लीजिए और गुड़ मिक्स कर लीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, 7 दिनों तक लगातार आपको 1 गिलास दूध के साथ पीना है। अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं तो इसका सेवन ना करें, और जब आप इसका सेवन कर रहे हों उस दरमियान हस्तमैथुन ना करें, ना ही मैथुन करें, यानी कि संभोग क्रिया में, रति क्रिया में शामिल ना हो। ध्यान रहे दोस्तों कि हम शादीशुदा लोगों के लिए, जो लोग भी मैरिड हैं और उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए ये वीडियो हमारा है दोस्तों, ये हमारा व्यू है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है दोस्तों, तो नेचुरली उनको समझ में नहीं आता है कि इस कंडीशंस में क्या करना चाहिए। इसलिए हमारी ये एक पहल है ताकि वो जान करके अपनी प्रॉब्लम्स को दूर कर पाएँ और उनका दाम्पत्य जीवन खुशनुमा बना रहे दोस्तों। खजूर खाने से बहुत सारे फायदे होते हैं, हमने बताया कि क्या क्या विटामिन्स मिलती हैं, तो आप कई सारी बीमारियों से बच जाते हैं। खास करके ये सर्दियों के मौसम में सबसे ज़्यादा फायदा करता है दोस्तों। गर्मियों में जब भी आप इसका सेवन करें तो कम मात्रा में करें, क्योंकि ये गर्म प्रकृति का ऑलरेडी होता है, और जो जो हमने प्रिकॉशन बताया इसके साथ उसका पालन करें। और अगर आपको शीघ्र पतन वगैरह की समस्या है तो आप उस दरमियान खट्टी चीज़ें, मसालेदार चीज़ें और बाहर की यानी कि दुकान की चीज़ें, ज़्यादातर यानी कि रेडीमेड बनी हुई जो चीज़ें होती हैं उनका सेवन ना करें, फास्ट फूड का सेवन ना करें, घर का नेचुरल बना हुआ खाना ही खाएं, आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा दोस्तों। तो देखा दोस्तों, आप सभी के लिए आज हम एक महत्वपूर्ण और जानकारी भरी हुई औषधि लेके आए थे दोस्तों। अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछ एक और महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।